हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस 31 जुलाई के हैं। जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मणिपुर की पीपल्स प्रोटेक्शन बिल 2018 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस है, हाल ही में इसे राज्य विधानसभा द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य गैर मणिपुरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है। नेक्स्ट, 1951 के बाद मणिपुर में बसने वाले सभी विदेशी कहलाएंगे। और नेक्स्ट है, ये सभी सही है। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। अंग्रेजों ने यहाँ पर आदिवासियों की सुरक्षा देने के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की थी। इसके तहत बाहरी लोगों को इन इलाकों में जमीन खरीदने और यहाँ बसने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब यह व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में है, लेकिन मणिपुर में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यह बहुसंख्यक मैती समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अब मैती समुदाय के लोग अपने राज्य में बाहरी लोगों के आने से रोकने के लिए आईएलपी लागू करवाना चाहते हैं, यानी इनर लाइन परमिट। मणिपुर की विधानसभा ने 3 विधेयक पास किए, प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपल्स बिल 2015, मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स बिल 2015, मणिपुर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट बिल 2015। आप मैप में देख रहे हैं, मणिपुर को हाईलाइट किया हुआ है। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व का एक राज्य है, जिसकी बाउंड्री म्यांमार से लगी हुई है और मणिपुर के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और यहाँ की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे नासा MS-2 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस है, यह अमेरिका द्वारा निर्मित मिसाइल है। नेक्स्ट, भारत इसे खरीदने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, यह सतह से हवा मार करने में सक्षम है। तो इसमें आपके तीनों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा मॉस्को में। मॉस्को रूस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डीप ओशियन मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई? तो इसमें आंसर आएगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी नौसेना कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा अनिल कुमार चावला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HSBC इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा सुरेंद्र रोसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने डीजी यात्रा नामक एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, यह किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा यह हवाई यात्रा से संबंधित है। डीजी यात्रा का लक्ष्य एयरपोर्ट पर प्रवेश और बोर्डिंग से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं में कागजी काम को कम करना है। इसमें टिकट बुकिंग से लेकर एयरपोर्ट में प्रवेश और बोर्डिंग तक की प्रक्रिया को डिजिटल करने की तैयारी है। इस व्यवस्था के तहत यात्री हवाई अड्डे पर अपने चेहरे या पुतलियों की मदद से अपनी पहचान सुनिश्चित करा सकेंगे और एक बार यह पहचान रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद भविष्य में हवाई अड्डे पर प्रवेश के लिए उसे किसी भी कागजी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी। इसकी मदद से यात्री मोबाइल और आधार नंबर के जरिए भी प्रवेश कर सकेंगे। और फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्री है सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में संपन्न सावो प्रतियोगिता 2018 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आंसर आएगा नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो के या भाला फेंक के खिलाड़ी है और ये हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने इस्तांबुल तुर्की में आयोजित यासर डोगु इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें आंसर आएगा बजरंग पुनिया ने।
और बजरंग पुनिया हरियाणा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो इसमें आंसर आएगा दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत, और भारत में दूध की प्रति व्यक्ति खपत 330 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मेघालय दूध मिशन के लिए कितनी राशि घोषित की गई है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने शिलोंग में मेघालय दूध मिशन शुरू किया है। यह मिशन राज्य में दूध व्यापार को बढ़ावा देने के माध्यम से 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के केंद्र के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। और मेघालय मिल्क मिशन की लॉन्चिंग कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 215 करोड़ रुपए की स्वीकृति परियोजना की घोषणा की गई है। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, मेघालय बांग्लादेश की सीमा से सटा भारत का उत्तर पूर्व का एक राज्य है, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और मेघालय के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, और यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं गारो और खासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निगम है, यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसमें आंसर आएगा यह 1963 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार ने कब तक 20 मिलियन किफायती घरों का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसमें आंसर आएगा 31 मार्च 2022 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसमें आंसर आएगा तमिलनाडु राज्य में। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में बाघ की आबादी 30 से बढ़कर 60 हो गई है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुंदरगढ़ जिले में 300 करोड़ रुपए की लागत वाले किस सिंचाई बांध परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया है? तो इसमें आंसर आएगा रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून के 40 युवा प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के कितने लोग शामिल हैं? तो इसमें आंसर आएगा 5 लोग। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर समेत भारतीय मूल के 5 लोग फॉर्च्यून की 40 युवा और प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किए गए हैं। भारतीय मूल के लोगों में दिव्या नाग, ऋषि शाह, शारदा अग्रवाल और सैमसोर्स के सीईओ और संस्थापक लीला जाना शामिल है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन पहले पायदान पर है। यह नेपोलियन के बाद सबसे युवा नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने 18 गेंदों में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय ओपनर स्मृति मंदाना ने इंग्लिश T20 लीग के मैच में 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मंदाना के अलावा यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने पिछले 3 महीनों में भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विसेज फर्म के रूप में विप्रो लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया? तो इसमें आंसर आएगा HCL ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है? तो इसमें आंसर आएगा ईरान ने। और अमेरिका के मई में 2015 के परमाणु समझौते से अलग होने और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाने के उसके फैसले की प्रतिक्रिया में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC का दूसरा और अंतिम मसौदा जारी किया गया है?
तो इसमें आंसर आएगा असम राज्य द्वारा, और इसमें लगभग 40 लाख लोगों को जगह नहीं मिली है। इसके लिए 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, और इसमें लगभग 40 लाख लोगों का नाम नहीं है, और जिनका नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें 1 अगस्त से दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मिशन सत्यनिष्ठा लॉन्च किया? आपके ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर 60,000 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया? आपके ऑप्शंस है लखनऊ, सूरत, अंबाला और दिल्ली। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।